रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम शुक्रवार की शाम खलारी थाना क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीण एसपी खलारी थाना में खलारी डीएसपी अमिनेश नैथानी और इंस्पेक्टर फरीद आलम के साथ बैठक कर क्षेत्र की विधि व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर गश्त बढ़ाए जाने और अपराधी किस्म के लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने कहा कि हाल के दिनों में खलारी अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्रों में टीएसपीसी उग्रवादियों की दहशत बढ़ी है। उग्रवादियों के द्वारा लगातार व्यापारियों को फोन पर रंगदारी के लिए धमकी दी जा रही है, लेकिन पुलिस भी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर रही है। ग्रामीण एसपी ने उग्रवादी संगठनों को सरेंडर करने की अपील की। खिलाड़ी अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत जो भी हमारा थाना है, चाहे वो ठाकुर गांव हो, मुर्मू हो, मैटिस्टीगंज हो, खिलाड़ी सिर्फ हो या मुर्मू तक ये एरिया है चारों तक, इसमें इधर एक आठ सप्ताह में हम लोग देख रहे हैं कि टीएसपीसी के लोगों की गतिविधियाँ इसमें बढ़ी है, चाहे वो अरविंद जी के रूप में हो, प्रधान जी के रूप में हो या और अन्य नाना प्रकार के नाम बदल बदल के लोगों को ट्रेड कॉल जा रहा है लेवी के लिए, पैसा के लिए, जो भी व्यवसायी संबंध लोगों में थोड़ा दहशत का माहौल है। और हम लोगों ने कई जगह जहाँ भी हुआ है वहाँ FIR भी दर्ज किए हैं और समेकित रूप से हम लोग आज बैठक किए हैं कि यहाँ के यहाँ अधिकारी DSP साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, बाकी तमाम पदाधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है और हम लोगों ने निर्देश दिया है कि वैसे जो लोग भी आपराधिक तत्व के हैं, चाहे प्रतिबंधित पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों पर नकेल कसने के लिए एक समेकित रूप से एक हमने प्लान बनाया है और ये कार्रवाई चलेगी। आम जनमानस से ये अनुरोध है कि यदि अगर किसी रूप में अगर मैसेज जा रहा है, उनको थ्रेट कॉल जा रहा है, तो शेयर जरूर करेंगे, करने की बात नहीं है। जो भी इनके सिंपथाइजर हैं, जो भी इनके सहयोगी लोग हैं, उन लोगों को भी हम लोग समझा रहे हैं कि वैसे लोगों को सहयोग ना करें जो कहीं ना कहीं कानून हाथ में लिए हुए हैं, बल्कि आपके माध्यम से हम अनुरोध उन लोगों से ये जरूर करेंगे, हम कर भी रहे हैं कि जितने भी टॉप लीडर के लोग हैं, सारे लोग सरकार की जो योजना चल रही है नई दिशाएं मुख्यधारा से जुड़ने के, वो सब लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से जुड़ रहे हैं, जुड़ गए और सरकार के साथ मिल गए, उनको सहयोग कर रहे हैं। तो वैसे ही जो लोग भी बचे हुए हैं उन लोगों को भी है कि भाई आप भी आइए, इसी समाज के आप भी हैं और समाज में मिल के लोगों के साथ सहयोग करके अपना बाकी जीवन जो अच्छे ढंग से गुजारे, किसी को दहशत में डाल कर, किसी को जबरदस्ती थ्रेट करके उससे कुछ मिलने जुलने को है नहीं। रांची पुलिस सक्षम है, कहीं न कहीं वैसे लोगों को भी जहाँ भी रहेंगे कानून का हाथ लंबा है, वहाँ तक उनको कानून के गिरफ्त में जरूर लाया जाए और कार्रवाई हम लोगों की चल रही है और आगे भी चलेगी।